खबर दुर्ग से है, जहां बीरनपुर की घटना छत्तीसगढ़ की दुखद घटनाओं में से एक है। आपको बता दें कि बीरनपुर घटना में हादसे का शिकार हुए भुवनेश्वर साहू की परिवार दुर्ग न्यायालय संभागीय आयुक्त के समक्ष सुनवाई में हाजिर हुए हैं। इस मौके पर साहू समाज के वरिष्ठ हीमा साहू भी पीड़ित परिवार को सांत्वना देने पहुंची। वहीं हीमा साहू ने कहा कि बीरनपुर की घटना दुखद घटना है और साहू समाज पीड़ित परिवार के साथ हर परिस्थिति में खड़ा हुआ है। पूछताछ करने के लिए बुलाए हमको कि कैसा हुआ, वहाँ पे थे कि नहीं, वही सब पूछने के लिए कि अभी पापा गए, उसके साथ पूछताछ कर रहे, इसके बाद मेरे को बुलाएंगे। बीमित जिला का है, ग्राम बीरनपुर करके, उसमें हम लोग लगातार सक्रिय रहे थे और शासन प्रशासन को हमने इससे पूर्व भी आगाह करवाया था कि वहाँ की स्थिति सही नहीं है। एक विशेष समुदाय के द्वारा जो लगातार वहाँ पे लव जिहाद जैसा भी मुद्दा हुआ, उसके एक से डेढ़ महीने के बाद वहाँ पे भुवनेश्वर साहू जी की वहाँ पे निर्ममता के साथ हत्या कर दी गई। समाज लगातार उनके साथ खड़ा हुआ है, उनके परिवार के साथ, और हम अस्थि कलश भी लेके राजिम पहुंचे हुए थे और लगातार हम उनके परिवार के साथ खड़े हैं, उनके हर सुख दुख में उनके साथ खड़े हैं। कहीं ना कहीं से हमें ऐसा महसूस होता है कि हमने अपने परिवार का ही बच्चा खोया है करके। और जो आर्थिक मदद की स्थिति, सरकार ने जो 10 लाख की जो घोषणा की है, तो आज हम छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार से पूछना चाहते हैं कि आज आप छत्तीसगढ़ का पैसा यूपी में ले जाके 50 लाख की घोषणा करते हैं, मुआवजा देने की बात करते हैं, और जब छत्तीसगढ़ की बात आती है तो वहाँ पे सिर्फ 10 लाख की घोषणा करते हैं सरकार। तो हम ये चाहते हैं कि पीड़ित परिवार को कम से कम यहाँ भी 50 लाख 60 लाख की घोषणा इनको करनी चाहिए।